गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर क्लास 11th डी एंड सी। टुडे आई एम गोइंग टू अ शॉर्ट पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज फोटोग्राफ। बच्चों, पहले हम ये छोटी सी पोयम है इसको रीड कर दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको ये चैप्टर मेरा दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, इसकी हम रीडिंग करेंगे। आज हमारा चैप्टर रीडिंग का टर्न है तो उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले ये पैराग्राफ केवल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चे। देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स ओल्ड आर सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, दे स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माय मदर्स एंड दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड ब्लेस वॉज देयर टिडली पेंशियंट फील। क्या दिया हुआ है? अच्छा, दो पढ़े हैं इसमें। देखिए द कार्डबोर्ड हमें फोटो, ये फोटो हमें ये शोज भी मुझे दिखाती है हाउ इट वॉज, ये कैसी थी वेन द टू गर्ल्स कजिन, जब दो चचेरी बहने वेन पैडलिंग माने पानी में पैरों को छपछपाते हुए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर साइड, प्रत्येक मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए थी, पैरों को छपछपाती हुई, तो दोनों जो थी मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थी। एंड शी द बिग गर्ल, और जो तीसरी थी जो बड़ी लड़की थी, सम 12 इयर्स ओल्ड, जो लगभग 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों शांति से खड़ी हुई थी, स्माइल माने हंस रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्टिल माने शांतिपूर्वक, टू स्माइल में मुस्कुरा रही थी थ्रू देयर हेयर उनके बालों पर। ऑल द अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो थे वो कैमरा को होल्ड किए हुए थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ जो थी वो उस चेहरे को देखकर क्या कर रही थी, मेरी माँ का चेहरा बहुत अधिक आकर्षक था, अट्रैक्टिव था। दैट वॉज बिफोर माई मदर, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कब था इतना आकर्षक, मेरे जन्म से पूर्व, मेरी माँ बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत खूबसूरत थी बॉर्न। एंड द सी, और ये समुद्र की लहरें, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर ट्रेडली ट्रांसियंट, और मेरी माँ का चेहरा जो बहुत अधिक आकर्षक था, कहती हैं कि चेंज लेस वॉज देयर ट्रेडली ट्रांसियंट फीट, वो क्या कर रही हैं कि कह रही जो है सागर से जो बहुत ही कम परिवर्तन का प्रतीत होता था, अब उनके उस नस्कर पैरों को धो रहा था, जो उनके चेहरे की अपेक्षा समुद्र को जो लहरों का पानी है वो कम अच्छा है, लेकिन फिर वो उनके पैरों को धो रहा है, किसके, माँ के पैरों को धो रहा है। आगे सम 20-30 ईयर्स लेटर, कोई 20 या 30 साल के बाद वो दोनों फोटो देखकर हंसती हैं। सेल्फ लॉक सी हैड लॉक, वो हंसती हैं एट द स्नैपशॉट, वो उस छोटी सी तस्वीर को देखकर हंसती हैं, कब 20-30 साल पुरानी वो तस्वीर है, कहती हैं। एंड दे सी बेटी एंड डॉली, वो लड़कियों का नाम है, एक का नाम बेटी है और एक का नाम डॉली है। सी हैड सेड, उन्होंने कहा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो ये लोग वो लोग समुद्री किनारे पर जब जाते थे बीच में तो कैसे कपड़े पहना करते थे, ये वो बता रही हैं। एंड बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, उन्होंने अपनी छुट्टियों को भी कैसे वहाँ पर कहाँ पर बिताए हैं, वहाँ पर बीच में जाकर समुद्री किनारे पर जाकर देखो कि कैसे बिताया, और अतीत की बात वो बताती हैं और कहती हैं कि, और वो कहती क्या है, एंड पास्ट एंड सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इज हर डॉटर, मेरी इस बेटी ने कैसे अतीत में जाकर वहाँ पर जाकर अपने समय को बिताया है। एंड बोथ राइट विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी, क्या कहते हैं वो दोनों लोग कठिनाई से अब इस समय को देख रहे हैं, कहते हैं अब उस गुजरे हुए लकड़ी के समय को, जो वो 20-30 साल पहले निकल गया है, कहते हैं आज भी लगभग उतने ही साल बीत गए जितने साल वो लकड़ी जैसे पहले पहले 20-30 साल पहले था, वैसे ही आज भी है। सी हैड डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, फिर भी आज वो डेड हो गई है, फिर भी उतनी ही वैसी ही लकड़ी वो बनी हुई है एज द बनी जैसी वो लड़की पहले थी, कहती एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर नथिंग, अब इन परिस्थितियों में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कहती अब उस लड़की के गुजरे हुए लगभग इतने ही साल बीत गए हैं, 20-30 साल बीत गए हैं, कहते हैं जब तक वो जीवित थी तब भी ऐसी थी, कहते अब देखिए, कहते एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, अब बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए बचा है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, केवल अब शांति ही शांति बची है, मतलब 20-30 साल पहले का वो समय बता रही हैं कि कैसा होगा। यह आगे बढ़े, अब इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा और जो क्वेश्चन आंसर होगा घर से देंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर,
Hello students, the central idea of this poem and the short question answer, and I think it out question answer, I will send you the pic of this poem. Now I am going to start my poem, chapter number 2, We Are Not Afraid to Die, If We Can All Be Together, as I have given on your blackboard. So today I am going to explain this chapter, I am going to read this chapter, only reading. In July 1976, my wife Mary's son Jonathan, sixth daughter Susanna, 7 years, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook. जब कहते जुलाई 1976 की बात है, जब मैं अपनी वाइफ मेरी के साथ अपने बेटे जॉनथन जो कि 6 साल का था, जॉनथन सूर्य जो कि 7 साल का था, इन सब के साथ मैंने अपनी इंग्लैंड के लिए यात्रा शुरू की. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबा समय हो गया. मेरी एंड आई अ 30 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मेरी और मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन था. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. Our boat Wave Walker, 23 meter, हमारी नाव जो थी जिसका नाम था Wave Walker, और वो 23 मीटर लंबी थी, और 30 टन वुडन हडल ब्यूटी, और 30 टन लकड़ी की वो बनी हुई थी. ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, मैंने इसको महीनों लगाए थे इसको फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट इन रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और मैंने इसको बहुत बुरे मौसम में इसको चलने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, रेडी किया था. द फर्स्ट फेज ऑफ अवर प्लान 3 ईयर्स, सबसे पहले बात तो मेरा प्लान इसको 3 साल के लिए था. द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर्स 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास, क्या था पहला प्लान, लंबा कितना था कि 3 साल का था, और कितने किलोमीटर की यात्रा का था, 105,000 किलोमीटर की यात्रा जाने का था. एंड सेल डाउन एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, केप टाउन देयर बिफोर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी पुट ऑन टू प्लूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड द स्विस हार्ब सीजर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशियन. इन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और जैसे ही दूसरा दिन मेरे केप टाउन का आया, हमने क्या किया, अपनी जो स्ट्रॉन्ग गेल्स जो बहुत तेजी से हमारी जो हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी, उनका मुझे सामना करना पड़ गया. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, एंड बट द साइज ऑफ द वेव्स आज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मस्त, कहते हैं कि लगातार ये हवाएं तेज बढ़ती रहीं, और बहुत तेज बढ़ती रहीं, ये हमारे जो वेव्स की तरंगें थी वो मुझे अलार्म करनी थी, मुझे सचेत करनी थी, लगभग 15 मीटर तक ऊंची ऊंचाई से उड़ रही थी. दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, डिस्पाइट एट्रोपोसियस वेदर वी हैड अ ब्यूटीफुल वंडरफुल हॉलीडेज कम्प्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, कहते वो लोग सोचते थे कि हम लोग ये क्रिसमस डे के दिन मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट उन्हें नहीं दिखाई दिया. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन उन्होंने रीजन बताया सैटरडे से भी मौसम, उसने ये कहा कि आज मौसम बदल जाएगा, तो वाकई में मौसम बदला, लेकिन अच्छा नहीं बदला, खराब के लिए बदला. देखिए अभी आगे आ रहा है फॉर द वॉर्स, देखिए एंड इट डिड चेंज, ये चेंज तो हुआ फॉर द वॉर्स, लेकिन खराबी के लिए चेंज हुआ, अच्छी के लिए चेंज नहीं हुआ. एट डाउन प्रातःकाल के समय ऑन जनवरी 2 को द वेव्स वर जिगेंटिक, हवा जो वेव्स थी तरंगे थी वो और अधिक भयंकर हो गई, भयानक हो गई. वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉल जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, उसमें मैंने 8 गांठियां लगा दी. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ दिस वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमने देखा बहुत तेजी असीमित और असंख्य बहुत तेजी समुद्री लहरें जो है वो बहुत तेजी से उठ रही हैं. एंड द स्प्रिंग ऑफ द विंड, और हवा बहुत तेजी से चीर रही है, अभी बहुत तेज चल रही है. एंड इसके बाद तेजी फॉर द ईयर्स, और उसकी जो आवाज़ें थी वो कान के लिए बहुत ही घातक थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिम एंड
इसकी वजह से हम लोग और एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम लिमिट है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन इनऑमिनियस साइलेंस। जो पहला वाला इंडिकेशन आया जो तूफान आने का, आपात आने का या परेशानी आने का, वो 6 बजे आया शाम को और वो भी बहुत चुपचाप यानी बड़ी शांतिपूर्वक अचानक आया। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आप बिल्कुल हवा बहुत तेजी से चल रही और आकाश देखा बिल्कुल डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग वेयर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स आफ्टर और द सीप विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड यूर सीप। तब मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं है, ये तेज हवाएं हैं जो पहले मैंने कभी नहीं देखी हैं। आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। द रोयर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लेनेशन थ्रू अ डेथ। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wave and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death as I was losing consciousness. I felt quite peaceful. तभी एक अचानक बहुत तेजी से कार आया और उसने डेक पर आया और उसने जो ग्रीन और वाइट जितने वाटर थे वो जो जहाज थे वो सब स्मैश हो गए, उनके पहिए टूट गए यानी वो टूट गए और मैं इस बात से अवेयर हो गया कि अब मेरा बोर्ड मतलब फ्लाई ओवर बोर्ड, अब मुझे बोर्ड के ऊपर फ्लाई ओवर करना है एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स और मुझे अब तो हम लहरों के बीच डूबी जाएंगे। जब जहाज टूट गया तो कहते अब तो हम डूबी जाएंगे। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मेरी डेथ आने ही वाली है एंड आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस और अब मैं अचेतन होता जा रहा था और मैं अपने को बहुत अधिक अब मैं अपने अंदर ये महसूस कर रहा था कि अब मेरी डेथ होने ही वाली है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे। वेव वॉकर वॉज नियर कैपसाइजिंग हर बेस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल देन अ वेव हर अप हाइट माई लाइफ लाइन जंप टॉन। आई ग्रैबल द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर्स मैन बूम। सब्सिक्वेंट वेव्स क्लोज मी राउंड द डेथ लाइक अ रैग डॉल। माई लेफ्ट रिस्ट क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। देखिए मेरे बहुत तेजी से मेरी सारी हड्डियाँ क्रैक हो गई थी और मेरा मन माउथ जो था वो बिल्कुल खून से भर गया था और दांत जो थे वो सब टूट गए थे। क्यों? क्योंकि जहाज टूटा था ना, पहिया टूटा था, वो गिरा था, तो ये सब इसके हो गया था। वो कह रहा था अब मेरी डेथ नज़दीक है। Somehow I found the wave lined up the stern of the next wave, the hung on. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was through open and Mary appeared. We are sinking. हम डूब रहे हैं, सी लाइट चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं। The decks are smashed. जो डेक है, जो जहाज के पुल हैं, वो सब टूट गए हैं। We are full of water. Then the wheel I shook as I scrambled for the hatch. तब हो रहा है कि नहीं कहीं बस इतना करा दें, दिल करवा दें, कुछ करते हैं। लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग अ क्रेजी हैंगर्स एंड होल स्टारबोर्ड साइड प्लग इन वॉर्ड क्लोज क्रॉकरी चार्ल्स टिन एंड वॉट वायर्स स्लोज्ड अबाउट द डीप वाटर। अ हाफ स्वाम हाफ क्रॉल इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट? आस्क्ड यस देन आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। फिर उससे किसी ने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, तो आंसर आया हाँ मैं ठीक हूँ, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर पर थोड़ी सी चोट आई थी। एंड शी पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्लोड बैक ऑन डेक विद आर स्टारबोर्ड साइड इस साइड बेस्ट ओपन। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अगर हमने हथौड़ा लिया, ये सब लिया इसने, हथौड़ा लिया, स्क्रू लिए, पैर सब सामान लिया जिससे उसने अपने नाव को ठीक किया, अगर ना करता तो कह रहा है कि तो फिर हम निश्चित रूप से डूबी।